हनुमान मंदिर नतमस्तक होए ने मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया ने राजघाट बापू नूं भी नमन किया। मनीष सिसोदिया के नाल संजय सिंह भी मौजूद ने। जल्द अरविंद केजरीवाल भी आउणगे बाहर। दस्सिए कि संजय सिंह ने कहा कि नफरत की राजनीति दे विच केंद्र नूं नहीं मिलिया कुछ। सो दिल्ली दे विच राजघाट दे विच नतमस्तक राजघाट दे विच पहुंचे मनीष सिसोदिया जिथे कि बापू गांधी नूं उहनां दे वल्लों नमन किया गया। दस्सिए कि संजय सिंह दे वल्लों कहा गया कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल दे विच बाहर आणगे। झूठे केस दे विच उहनां नूं फसाया गया। सो हनुमान मंदिर भी नतमस्तक होए, उस तो बाद राजघाट दे विच बापू नूं नमन किया गया। दस्सिए कि आम आदमी पार्टी के कई वड्डे आगू भी उहनां दे नाल मौजूद सन। संजय सिंह, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सब उहनां दे नाल मौजूद सन। सो जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आउणगे। संजय सिंह दे वल्लों कहा गया नफरत की राजनीति दे विच केंद्र नूं कुछ भी नहीं मिलिया। सो राजघाट दीआं तस्वीरां ने जिथे कि बापू गांधी नूं नमन किया गया। प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। और जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, आम आदमी को सहूलियत देने की, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। और यहाँ के बाद फिर राजघाट जाना है और उसके बाद पार्टी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, अच्छा है, और हम सब पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इस देश के लोगों पे बना रहे। देखिए, नफरत की राजनीति से इस देश को कुछ हासिल नहीं होगा, बदले की राजनीति से इस देश को कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए, आपने 17 महीने एक आदमी की जिंदगी का बर्बाद कर दिया, आपने 17 महीने एक आदमी के परिवार को प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये आम आदमी पार्टी एक परिवार है, एक मजबूत परिवार है। ऐसे बहुत सारे मौके हम लोगों की जिंदगी में आए, लेकिन हम टूटेंगे नहीं और मजबूती से एक साथ मिलकर लड़ेंगे। निश्चित रूप से ताकत मिलेगी। और बस जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे, पार्टी के हमारे मुखिया के साथ भी इसी तरीके से बिल्कुल तथ्यहीन, बिना सबूत के उनको भी उठा के जेल में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उनको राहत मिल गई, लोअर कोर्ट से राहत मिल गई, जबरदस्ती एक झूठा सीबीआई का केस बना के उनको जेल में रखा गया है, वो भी जल्द बाहर आएंगे।